कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का नकली तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जिसके बाद जब युवक पकड़ा गया तो उसके पास से दो असली तमंचे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको वह वीडियो दिखा रहे हैं जो थाना कोतवाली क्षेत्र के नगला कैद के रहने वाले एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर हाथ में नकली तमंचा पकड़कर गाने के साथ वायरल किया गया है। वीडियो वायरल हुआ तो तेजी के साथ लोगों के पास भी पहुंचा। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से युवक ने हाथों में तमंचा पकड़ रखा है और गाने के साथ युवक वीडियो बना रहा है। जब पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और युवक को गिरफ्तार किया तो हाथ में पकड़ा हुआ तमंचा तो नकली निकला, लेकिन पुलिस की कड़ाई पूछताछ में युवक के पास से दो असली तमंचे बरामद हो गए, जिसके बाद कानूनी रखापड़ी किए जाने के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है। जानकारी में पता चला है कि युवक थाना कोतवाली क्षेत्र के नगला कैद का रहने वाला था और पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, एक तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है, कुछ संज्ञान में आया? थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक जो है तमंचा लहरा रहा है, अवैध प्रदर्शन कर रहा है उसका, देसी तमंचे का, उसको तत्काल उस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया और उसमें पता किया गया तो वो अभिषेक साग के नाम का लड़का है, नगला कैद थाना कोतवाली क्षेत्र का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद हुआ है, उसमें अभियोग दर्ज कर उसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई। क्या कुछ पता हुआ सर, कहाँ से खरीद के लाया, क्या हुआ, कैसे मिला? ये अभी उससे पूछताछ की जा रही है, अभी वो अरेस्ट हुआ है, तमंचा मिला है उसके पास से और जिसका वो प्रदर्शन कर रहा था उसमें कार्रवाई की जा रही है।